खुदाई लगा है, जो हम खुदाई कर रहे हैं इसका एक अलग ग्राउंड मिलेगा इसमें। ये देखो जी, जब ये इसकी साइड फोक्की हो जाएगी तो इसमें से कल्ले साइड से निकलेंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच पर, फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, तीसरे साल की गन्ना पेडी ट्रेंच विधि द्वारा RMD चलाने के बाद में दो पानी खेत को आगे, और उसमें भाइयों आप देख रहे होंगे लाइनों में खरपतवार हो गया और वो भी मोथा। पहले तो हमने सोचा ही था कि एक बार इसमें खुदाई ज़रूर करेंगे, लेकिन भाइयों इधर गन्ने का काम चल रहा, अभी मील चल रहा, बाकी का इसमें कुछ जमाव भी कम हुआ, कई खूड इसमें RMD से ज़्यादा लागू चल गई थी तो बहुत लेट हो गया था, तो इसमें दो बार पानी देना पड़ गया हमें बीच में, तो ज़्यादा हो गया। अब हमने छोल बंद करके कल से भाइयों इसमें खुदाई लगाई, एक एक बार इसकी खुदाई करेंगे तिबरसी की, क्योंकि जो RMD का ब्लेड जहाँ पर चलता है वो जो बच जाता है उसका पूरा का पूरे पे देख लो खरपतवार है। और इसमें जो है जैसे हम देख रहे फावड़े के द्वारा कोई झुंडा आ जाओ उसे काट के देख रहे, तो नीचे से फंगस भी लग रही इसमें। तो बाकी की तीसरी साल की गन्ना पेटी तो इस वजह से रखी कि इसमें डोज जो है बिल्कुल बोर्ड जो गन्ना पौधा हम तैयार करते हैं उसके जितनी लगानी, कुछ भाई क्या करा है इसमें कम, और खुदाई एक बार गन्ना पौधे की करते वो भी इसकी एक बार करेंगे। बाकी रोटावेटर द्वारा उस दिन जोता था, वीडियो बनाई थी, और इसमें भाइयों मैंने स्प्रे कर दिया था क्योंकि टॉप बोर की तितली उड़ रही थी, मगर खुदाई जब होगी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अपना इसमें NPK नहीं रड़ाया था, सादा वैसी दवाई का स्प्रे कर दिया था, बहुत ज़बरदस्त है। और ये मोथा भी हम तो सीधा सीधा बीच के पैड पर रख रहे, देख लो जी, ये देखो डोली सी बना दी, क्योंकि मैं इसमें फिर रोटावेटर चलाऊँगा तो रोटावेटर इसे सबको फिट कर देगा, छाप उठा के जो कि तू बीच में रख रहे। चल मन कमर दुखने लगे छोटू। हाँ जी, तेरी भी दुख रही। हाँ दुख रहा। एक तो ब्लेड चल के भाइयों ये पेड़ा सा जो है बहुत टाइट हो जा, जब हम इसकी खुदाई करेंगे तभी इसमें से ब्यांत निकल का आओगा, बाकी के ब्यांत की कुछ दवाई भी करेंगे वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अपनी नलाई गुड़ाई लगा है, जो हम खुदाई कर रहे हैं इसका एक अलग ग्राउंड मिलेगा इसमें। ये देखो जी, जब ये इसकी साइड फोक्की हो जाएगी तो इसमें से कल्ले साइड से निकलेंगे। और खुदाई के लिए फावड़े भी लंबे विंटे के बनवा रखे, ये देख लो जी। थोड़ा सा खेत अभी नरम था इसलिए पहले ही लग गया, क्योंकि कई दिन में खेत निकलेगा मारते हो। और भाइयों अगर सादी विधि का होता तो इसमें दुगने खूड बैठते, आज 40 खूड है इसमें, 40 खूड तो हम खोद लेंगे रोपीट का, लेकिन अगर 40 के 80 हो जाते तो खुद नहीं पाते, तो ट्रेंच का एक यो भी लाभ है। बाकी का इसमें फुटाव उठाव के लिए जो दवाई लगाओगे वो आपको दिखाओगे, अभी खुदाई की प्रक्रिया दिखाई, खुदाई से बाद में इसमें डोज लगा के रोटर निकाल के कवर, और तब इसे पानी देंगे जब खेत भर का होगा। अभी ट्रेंच विधि की पहली बार छोटी हमने करना पेटी, तीसरी बार की, 3 ही साल अपने को ट्रेंच का हुआ, सबसे शुरू में यही खेत बोया था ट्रेंच का। खुदाई का लाभ ये मिल जाएगा कि शानदार ट्रेलिंग होगी और ये मोथा यहाँ से हट जाएगा, तो इसमें हम अपना डोज भी लगा सकें। बाकी की भाइयों डोज उतनी लगाओगे हम इसमें जितनी हम दोबारा बुआई करते, और 0238 की सबसे शानदार पेडी हमारी ये निकली थी, उसी को देखते हुए हमने इसमें तीसरी बार की पेडी छोड़ दी। तो आज लगभग तीसरा दिन है हमें इसमें खुदाई करते हुए, और अपने आप जो हम खुदाई कर देंगे भाइयों उसका एक बहुत ज़बरदस्त लाभ हमें मिलेगा। आगे छोटू है सबसे पहले,
थोड़ा सा फावड़ा बेकार है मेरे पे। ये देखो जी कितना सब जबरदस्त मत्था है इसमें, बहुत कैडे वाला जी। बस 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 जून डाल गया, यह हाथ से पाटना पड़ा, टाइम थोड़ा सा नहीं लग रहा, लेकिन कल्ले देखो कितने आ रहे निकल रहे। देखो खुदाई का जबरदस्त रिजल्ट इसमें मिलेगा, बाकी इसके बाद में जुताई करी जाएगी इसकी रोटावेटर द्वारा ही, और जो अपने हाथ से काम हो जाएगा वो नहीं मजदूर नहीं कर सकते, ना इसमें खुरपे से कुछ होता, तो इसीलिए छोल तो कर दी बंद, दो तीन ट्रोली गाड़ने रह दिए बस, और हमने पहले काम इसी का लिया। मगर भाई कबर इसकी खुदाई जरूर करनी है, फिर इसमें नीचे से कर लगा देंगे डोर। और एक चीज़ और देख लो, बेड पे भी अंदर बीच में हमने मोथे के छाप डाल रखी सारी की सारी, ये देखो जी। तो इस पे जो है रोटावेटर चलेगा तो इससे सारे को बढ़िया तरीके से नष्ट कर देगा। टूट जाना खेत सूख लिया अभी, पर सारे यार इसमें हवा निकल गई, रोज पछवा चल रही। अच्छा रिंकू रिंकू कह रहा है भाई।